अभियान में धार तेज करने के लिए आज बुलंदशहर के अनूपशहर में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। तो भूड़ चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचने वाली हैं, कितना उत्साह है आपके अंदर, बताएँ थोड़ा। उत्साह तो इतना है कि चाहते हैं कि हम क्या करें। जनता बिल्कुल उमड़ के आ रही है दीदी को देखने के लिए, लेकिन ये एक मीटिंग नहीं है, ना अनाउंस हुआ ना कुछ हुआ। जैसे जिसको पता चल रहा है वो भाग रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी जिले के वो अनूपशहर जा चुके हैं। यहाँ ये पदाधिकारियों की मीटिंग है, कोई जनरल मीटिंग नहीं है। लेकिन जिसको पता चल रहा है उससे मना भी नहीं कर सकते। दीदी के स्वागत में यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है, भीड़ आ रही है। कई जगह बुलंदशहर में इस तरह से उनके स्वागत के लिए कांग्रेसी फिलहाल झंडा लेकर हाथ में यहाँ पर उनका अभिनंदन करने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ में इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं अभी थोड़ी देर पहले हमें सूचना मिली कि सिकंदराबाद में वो पहुँच चुकी हैं और उनका वहाँ पर स्वागत चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ से लेकर और दूर तक थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से बैठ कर जो है आराम से इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। एक बुजुर्गवार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये प्रधान भी रहे हैं, अभी प्रधान हैं आप? ये आप तो नहीं है, आप नहीं हैं। शुरू से लेकर अब तक आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से सिपाही बनकर रहे, क्या कहेंगे कि अब तक जितनी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा बेहतर थी या कांग्रेस की सरकार ही ज़्यादा बेहतर? ईमानदारी से बताइएगा, आपके सर पे टोपी। हमारी ईमानदारी की बात ये है, कांग्रेस से बेहतर तो कोई सरकार ही न रही। क्यों? सन 47 के ज़माने में मेरा मौजूद था, मुझे होश था, मैंने इस कांग्रेस को शुरू से आखिर तक देख लिए। काशकार को ऐसे धरती से उठा के लाई, मजदूर को ऐसे धरती में से उठा के लाई, एक घाट सबको पानी पिला दिया। इस कांग्रेस को हम कभी भूलेंगे नहीं। कितनी उम्र रही होगी आपकी जिस वक्त आप कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र कम से कम 20 साल से बढ़ती की ही। जब जिस वक्त आप शामिल हुए थे, अब कितनी उम्र है? अब मेरी उम्र 85 साल की आ जी। बीच में कभी किसी पार्टी की ओर खिसके आप या इसी में जमे रहे? नहीं, हम तो इसी में जमे रहे। आगे क्या इरादा है? आप तो 85 साल की उम्र है आपकी लगभग, इसी में रहेंगे, इसी में भी रहेंगे जी। तो अब अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आती है जी, क्या कहेंगे, कैसी कैसे आएगी सरकार? देखो जी, सरकार तो सभी के सहयोग से आवेगी और हम भी खुशामद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन पर जो मुस्लिम समाज है काफ़ी भरोसा जता रहा है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर वो लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी दम भर रहे हैं कि मुस्लिम जितनी भी वोट है वो सब उनके खाते में है। आप मुसलमान होने के नाते क्या कहेंगे? हम मुसलमानों के होते नाते ये कहेंगे, जो भी कुछ जहूरा देखा है कांग्रेस का शुरू से आखिर तक देखा मुसलमानों ने, और मुसलमानों की बड़ी इज्जत रही। मगर सपा को बहुत ज़्यादा मानते हैं मुस्लिम, और ज़्यादातर अखिलेश यादव के जो है मुरीद भी है और उन्हें वोट देते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्हीं के लिए हम ये कहेंगे, अगर जब तक ये सपा आपको लाते रहोगे तो कांग्रेस हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, और जो आप सपा को छोड़ दोगे तो ये कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी आप दो शब्द जरूर कहें कि जिस तरह वो यहाँ पर लड़ने की बात कर रहे हैं चुनाव, उनके लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम वोट उन्हें जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? देखो, मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को जानी है ही है, चाहे आधी जाए चाहे कितनी भी जाओ। जो लगे हुए हैं वो कभी कांग्रेस को भूलेंगे नहीं। अब पार्टी दो हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ये तो आर्थिक पार्टी हैं, मायावती हुई, मुलायम सिंह हुआ, अन्य पार्टी तो दो ही हैं। पार्टी दो ही हैं, बिल्कुल। अगर इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में उनका परचम लहराएगा, अपने आप में बड़ी बात है। क्या कहेंगे सुजात जी आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं समाजवादी के बड़े बड़े अहदों पर रहा और पार्टी के प्रदेश लेवल से लेकर जिला लेवल तक के पदाधिकारी रहा हूँ। मैंने समाजवादी के अंदर जो देखा, आज हालात ये हैं कि वो एक समाज की पार्टी बन करके रह गई। और कौन से समाज की? बस हिंदुत्व की बात करना, एक समाज की बात करना, और वो चाहते हैं कि मुस्लिमों को तो बहुत ज़्यादा वो लोग जो टिकट वगैरह देते हैं। नहीं, आज की डेट में कोई टिकट नहीं बांटा जा रहा है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ आया हूँ, क्योंकि सर समाज की पार्टी है। कांग्रेस गरीब की
निचले से स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक हर जात बरादरी की पार्टी कांग्रेस है। कितने समय तक रहे आप समाजवादी? मैं समाजवादी में 10 साल रहा और पदाधिकारी होने के साथ साथ मैंने अब लास्ट में आकर के देखा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव समाज की पार्टी के अलावा और कोई काम नहीं करती है। सत्ता में आने के बाद सिर्फ खाली बहकाने का काम करती है और आज की डेट में तो ये हो रहा है, समाजवादी के मंचों से लोगों का अपमान किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए हम सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज समाजवादी पार्टी और जो ओवैसी साहब की बात आपने कही थी, मैं उसके भी कहना चाहूँगा, ओवैसी साहब जिस तरीके से अब यहाँ पर बहुत डिवाइडेशन करने के मूड में है, वो कुछ नहीं होने जा रहा है। मुस्लिम समाज समझ गया है, ना सपा बसपा ओवैसी पीस पार्टी सबको नकार चुका है और कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहा है इस चुनाव। ओवैसी को मुस्लिम समाज काफ़ी मान रहा है, अब से पहले जिस तरह दिलशाद अहमद यहाँ पर उपचुनाव लड़े थे उसमें भी उनकी अच्छी खासी वोट आई थी, 4 से 5 हज़ार वोट लगभग उनकी आई थी, और पहली बार चुनाव लड़ने के नाते अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ी बात है इतनी वोट लाना। अब अगर इस तरह फिर से कोई चुनाव उन्होंने लड़ा तो फिर से 4-5 हज़ार वोट कटेंगी, जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे? उसमें जिस टाइम उपचुनाव था उस टाइम के हालात में और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। उस टाइम हमारे कांग्रेस जो पार्टी थी वो इतने मजबूती के साथ जो चुनाव अब लड़ रही है उससे पहले चुनाव नहीं लड़ा। आज का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल बहुत ही मेहनत के स्तर पर लड़ा जा रहा है। दूसरा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा को कोई हराने वाला है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, सपा बसपा कोई नहीं, ना ओवैसी का कोई। सबसे पहले कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं लड़ी इस बार? क्यों, क्या प्रियंका गांधी इस बार खड़ी हुई हैं इस वजह से? नहीं, ये प्रियंका गांधी जी का मेहरबानी है पूरी यूपी में। जी हाँ, दीदी का बहुत बड़ा वो है, बहुत उत्साह है और मेहनत भी है, दीदी की वजह से ही मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता भी और जनता भी। आप देखा लखीमपुर वाला मामला रहा, लखीमपुर वाले मामले में दीदी ने सबसे पहले वहाँ जाकर ये प्रियंका जी को तो आगे उभार के लाए, ये काम तो पिछले चुनाव में कर देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं कर पाई, ये वजह क्या? कांग्रेस की सोच है अपनी, हम तो उस लेवल तक नहीं है। तो इस बार आप उम्मीद जता रहे हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह मैदान में उतर चुकी हैं, हम ये मान रहे हैं कि सरकार बने ना बने लेकिन सीट जरूर बढ़ेंगी। कांग्रेस के कोई सेकुलर पार्टी, ये दावा है, अगर उत्तर प्रदेश में सेकुलर दल की कोई अगर सरकार बनेगी तो बिगर कांग्रेस और बिगर प्रियंका दीदी के नहीं बनने जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पर पूरा भरोसा जता रही है यहाँ की जनता भी और यहाँ के जो कांग्रेसी हैं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि इस बार प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं और पूरे जोर शोर से कांग्रेस इस बार अपना चुनाव जरूर लड़ेगी और जीतेगी। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो इंतजार है वो खत्म होता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का जो काफिला है अपनी गाड़ियों के साथ भूड़ चौराहे पर फिलहाल पहुंच चुका है और कार्यकर्ता हैं कि उनमें होड़ लगी है कि उनके गले में किसी तरह से बस उनकी माला पहुंच जाए और एक सेल्फी उनके साथ ले ली जाए, मगर जो उनके बॉडीगार्ड हैं वो गाड़ी के पास तक भी किसी कार्यकर्ता को आने की अनुमति नहीं देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा अभी तक किसी भी कार्यकर्ता के साथ बात करती हुई ना तो नजर आई है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह अफरा तफरी का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है और फिलहाल तो आप देख लीजिए कि यहां 2 मिनट भी गाड़ी नहीं रुक पाई। इंतजार था प्रियंका गांधी का और यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता तकरीबन 4 घंटे से लगातार इंतजार करते रहे। उसके बाद में प्रियंका गांधी को आपने देखा कि यहां महज 1 से 2 मिनट तक गाड़ी उनकी रुकती है और उसके बाद में यहां से गाड़ी रवाना हो जाती है। जो यहां पर कार्यकर्ता उनके इंतजार कर रहे थे उनके फूलमालाओं को लेकर यहां उनके स्वागत के लिए 4 घंटे से उनके इंतजार में थे, वो उनकी मालाएं भी उनके गले तक शायद नहीं पहुंच पाई और वो हताश होते हुए नज़र आ रहे हैं जो यहां कार्यकर्ता थे। आप दिखाएं थोड़ा सा, यहां से फिलहाल जो है सभी कूच कर चुके हैं और यहां से अब तैयारी है उनकी अनुशहर जाने की कि शायद प्रियंका गांधी की एक झलक देखने के लिए वहां उनको मिल जाए। सहयोगी मोहित के साथ सही खान, खबर तहकीकात।